हेलो फ्रेंड्स, स्वराज स्वीट डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये जो रेसिपी है वो है खाजा, या तो चिरोटे भी आप इसे कह सकते हो। और बहुत सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, कम से कम सामग्री में हमने ये रेसिपी को बनाया है। बहुत सिंपल है और आप यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे लेयर्स आए हैं इन सभी चिरोटों पर। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलो शुरू करें ये रेसिपी। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदे में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी हाथ से ही। अब इसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून तेल। ये रिफाइंड ऑयल हमने लिया है। तेल डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इन दोनों को अच्छे से मस लेंगे। इस तेल और मैदे को अच्छे से हम रगड़ेंगे। क्रम जैसा बनना चाहिए ये कुछ। ये मैदा जो है, मैं आपको इसका टेक्सचर बता देती हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल क्रम्बल हो गया है। और जब आप इसे ऐसे पकड़ोगे तो आराम से इसका ऐसा एक बॉल बन रहा है, इकट्ठा आ रहा है ये आटा। तो बिल्कुल हमें इस आटे की यही कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, 1/3 कप लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें डालेंगे और हमें सख्त आटा लगाना है। आप यहाँ देख सकते हो हमारा आटा तैयार है और ये मैंने थोड़ा टाइट बांधा है। और इसे अब हम ढक के 15-20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है और आटा हमने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। इस आटे को मैंने दोबारा अच्छे से गूथ लिया है और इसके हम 5 बराबर हिस्से करेंगे। 5 हम इसके पेड़े बना लेंगे। हमारे 5 पेड़े तैयार है और एक एक पेड़ा हम बेल लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा सूखा मैदा आप इस्तेमाल कर सकते हो बेलने के लिए। हमारी 1 रोटी तैयार है और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। इसी तरह से हम 5 हमारी जो रोटियां हैं बेल लेंगे। 5 रोटियां जो है बेल ली है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल हम लेंगे और तेल हम इस रोटी पे फैलाएंगे। अच्छे से हम तेल फैलाएंगे। तेल फैलाने के बाद यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर को हम ऐसे छिड़केंगे रोटी पे। कॉर्नफ्लोर को रोटी पे छिड़कने के बाद कॉर्नफ्लोर को भी हम अच्छे से ऐसे फैलाएंगे। अब इस पे हम दूसरी रोटी रखेंगे। इस पे भी हम उसी तरह से करेंगे। पहले हम तेल की लेयर लगाएंगे और फिर हम कॉर्नफ्लोर को छिड़केंगे। तो इसी तरह से हमें सारी रोटियों को करना है, एक के ऊपर एक रख के। हमारी 5 रोटी रेडी है। 5 लेयर हमने इस पे तेल और कॉर्नफ्लोर लगा लिया है। और अब हम रोल करेंगे। टाइट हमें इसका एक रोल बनाना है। अब हम पीसेस कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इन पीसेस को हम ऐसे साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमने 1 पीस ले लिया है और इसे हम हल्के से ऐसे दबाएंगे। दबाने के बाद हम इसे बेलेंगे हल्का। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हम ये सारे जो है वो हम बेल लेंगे। सभी को बता रही हूँ, हमने ये 1 पीस लिया है, इस तरह से हमने इसे कट किया है। जैसे हमने इसे कट किया है वैसे ही हम इसे हल्के से प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद हम इसी तरह से हम इसे लंबा बेलेंगे। ज़्यादा पतला भी हमें नहीं बेलना है, कुछ इस तरह से। सभी को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे।
हमने इस तरह से सारे ये जो है बेल लिए हैं और अब हम फ्राई करेंगे। तेल भी मैंने गरम करने रख दिया है। तेल हमारा गरम हो गया है और हमें इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। तो एक एक करके हम तेल में डालेंगे। आप यहाँ देख सकते हो इसके लेयर्स बहुत अच्छे से ओपन हो गए हैं और हम इसे धीमी आंच पे ही फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमें इसे खस्ता फ्राई करना है। अगर हमने आंच बढ़ा दी तो ये अंदर से ठीक से फ्राई नहीं होंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो बहुत ही धीमी आंच पे हम इन्हें फ्राई कर लेंगे सुनहरा होने तक। इन्हें फ्राई करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, आपको 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि हम गैस की आंच धीमी रखते हैं और हमें हल्का सुनहरा रंग आने तक इन्हें फ्राई करना है। अभी भी ये थोड़े वाइट है तो थोड़े ये बादामी कलर के होने तक हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे ये चिरोटे खाजा अच्छे से फ्राई हो गए हैं और कलर भी बहुत अच्छा सुनहरा आया है। तो इन्हें अब हम निकालेंगे और मैं इस तरह से चिमटे का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे निकालने के लिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाएगा। हम अब चिरोटी के लिए चाशनी बना लेंगे। तो उसके लिए एक पैन में हम 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी के साथ उसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और हम इसे पकाएंगे जब तक ये हल्का चिपचिपा नहीं हो जाता। हमारी ये चाशनी तैयार है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हमें ज़्यादा चिपचिपी भी चाशनी नहीं चाहिए, इसमें तार नहीं बननी चाहिए। बस चीनी हमारी घुल गई है और ये थोड़ी हल्की थिक हो गई है तो इसमें अब मैं थोड़ा नींबू का रस डालूंगी। और हम गैस को बंद कर देंगे। चाशनी को हम हल्का ठंडा कर लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी भी नहीं चाहिए, हल्की हम गुनगुना हम इसे बना लेंगे। तो गैस से मैंने इसे नीचे उतार दिया है, हल्का हम 5 से 10 मिनट इसे ठंडा कर लेंगे। चाशनी हमारी हल्की गुनगुनी हो गई है और ये अब चिरोटे हम एक एक इस चाशनी में डालेंगे। इसे हम पलट देंगे ताकि चाशनी अच्छे से इस चिरोटे में चली जाएगी। हल्के से हमें इसे हैंडल करना है वरना ये जो लेयर्स है वो टूट सकते हैं। अगर आपको चाशनी नहीं पसंद है तो जो पाउडर आती है, पिसी हुई चीनी आती है, उसे भी आप इस पे छिड़क सकते हो। जब आप इस चिरोटों को फ्राई करो, गरम गरम आप जब निकाले तब तुरंत आप छन्नी से इसके ऊपर आप पिसी हुई चीनी छिड़क दे ताकि अच्छे से चीनी इस पे कोट हो जाएगी। हमारे ये चिरोटे रेडी है तो इसे अब हम बाहर निकालेंगे चाशनी से। एक्स्ट्रा की जो भी चाशनी है हम निकालेंगे। और हम सर्व करेंगे। इसी तरह से हम सारे ये जो चिरोटे हैं एक एक करके हम इस चाशनी में डालेंगे। हमारे ये चिरोटे तैयार है और आप देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं और लेयर्स भी कितने अच्छे आए हैं। तो इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए इस दिवाली पे। बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।